till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. जब भी बात होती है शॉपिंग की तो हम खुले दिल से शॉपिंग करते हैं, और त्योहारों के सीजन में तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और अब हम कर रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से शॉपिंग, ताकि हमारा घर बने सुंदर इन त्योहारों पे। तो इसीलिए मैंने भी शॉपिंग की है इस सीजन। तो ये सारे पैकेट मुझे मीशो से रिसीव हो गए हैं। मीशो से ही मैंने सब कुछ शॉपिंग किया है ये वाली, और कुछ मैंने लोकल मार्केट से की है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो पहला प्रोडक्ट हम देखेंगे तो ये है कॉम्बो ऑफ स्टेनलेस स्टील रोस्टिंग नेट विद द वुडन हैंडल्स। और इस नेट पे हम कोई भी वेजिटेबल रोस्ट कर सकते हैं। इस सिलिकॉन ब्रश के हेल्प से हम इसमें ऑयलिंग करेंगे और मोमो टॉन्ग की हेल्प से इसे अलट पलट देंगे। तो 186 रुपीस की ये स्टील ड्रिल मुझे लगी। मेरी नेक्स्ट परचेज है रोटो एक्सक्लूसिव वॉल बाथरूम सेल्फ। ये डबल लेयर सोप डिश होल्डर है। इसका एडहेसिव काफ़ी अच्छा है। मैंने इसे किचन में यूज़ किया है और मैंने देखा कि काफ़ी थिक और अच्छा है, हिलता भी नहीं है। आप इसे ज़रूर यूज़ करिए ताकि आपका जो सोप है वो वेस्ट ना हो। नेक्स्ट मैंने सेंचुरी ब्रांड का बर्गर फूड रैप पेपर लिया है। ये रोटी रैप पेपर या बटर पेपर की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये 152 रुपीस के दो रोल मिले हैं, और एक रोल की जो लंबाई है, लेंथ है, वो है 25 मीटर। काफ़ी अच्छी मुझे ये डील लगी, और मैं इसे हमेशा रोटी के लिए ही यूज़ करती हूँ, साथ ही जब मैं केक बनाती हूँ। और या बटर पेपर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पेपर काफ़ी अच्छा है। पहले मैं जो है क्लोथ यूज़ करती थी रोटी रखने के लिए, लेकिन उसमें स्मेल आ जाती है और डेली उसे धोना पड़ता है। तो ये पेपर काफ़ी अच्छा है, बायोडिग्रेडेबल है, और इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। आप इसे यूज़ करिए डेली, और इसके बाद इससे एनवायरनमेंट को भी कोई हानि नहीं होती है। आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी इसको टिफ़िन पैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है ड्राई फ्रूट कटर एंड स्लाइसर। ये आलमंड कटर, बटर स्लाइसर, ग्रेटर एंड स्लाइसर है, और ये 142 रुपीस का आता है। ये काफ़ी समय से मेरे विश लिस्ट में था। ये कटर बहुत ही हैंडी है, और इसमें बहुत अच्छे से ये ड्राई फ्रूट्स कट गए हैं। और आप कभी भी, अब जब भी आपको मीठा वगैरह कुछ भी बनाना हो या कुछ भी आपको सर्व करना हो, तो फटाफट नट्स को कट करके आप उसको डाल सकते हैं। और इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी थी, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसने ड्राई फ्रूट्स को कट कर दिया था। और ये प्रोडक्ट वर्थ इट है, आप इसे ले सकते हैं। ये है क्लासी टेबल क्लॉथ 136 रुपीस का। ये मैंने मंगवाया था एज ए डाइनिंग टेबल कवर, पर मुझे बाद में पता चला ये सेंटर टेबल कवर है। पहले मैंने सोचा इसे रिटर्न कर दूं, फिर मैंने जब इसे खोल के देखा तो मुझे ये अच्छा लगा, और मुझे लगा कि हाँ, मेरे सेंटर टेबल को इसी तरह के एक कवर की ज़रूरत है। तो मैंने इसे रख लिया, और जब बिछाया तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वाइट कलर की मेरी सेंटर टेबल है। मुझे भी हमेशा डर लगा रहता है कुछ दाग धब्बे ना लग जाए, इसलिए अब इसको कवर को बिछाने के बाद इसका लुक मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसे रख रही हूँ। मेरी नेक्स्ट परचेजिंग है SGT गार्डनर टूल सेट। इसमें हमें एक ट्रॉल और हैंड फोक और हैंड कटर मिलता है, और ये एक गार्डनर टूल है जिसमें 4 टूल्स का सेट आता है, और प्राइस वाइज ये है 238 रुपीज़ का। और ये बहुत ही छोटा, हैंडी और कॉम्पैक्ट है। आप इसको यूज़ करके इजीली कहीं भी रख सकते हैं, और ये काफ़ी स्टर्डी है, और इसको यूज़ करने पे काफ़ी अच्छा लगता है। Shadow turns to sun rays and on and on.
नेक्स्ट परचेजिंग है वॉल हैंगिंग प्लांट हुक फॉर प्लांटर्स। ये पैक ऑफ टू में 251 रुपीज़ के हैं। ये इसमें इस तरह की नेल्स आ जाती हैं और आप इनको इंडोर और आउटडोर कहीं भी हैंग कर सकते हैं। और इनका लुक देखिए कितना एंटीक है, ये मेटल के बने हैं। जहाँ भी आप इनको हैंग करेंगे ना, वहाँ पर जो भी आप इसके साथ हैंग करेंगे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट ये वेस जो है, ये होम ट्रेंड इंडिया हैमर्ड मेटल गोल्ड फ्लावर वेस है और ये विंटेज एंटिक लुक का है और ये होम डेकोर के लिए बहुत ही परफेक्ट है। आप देख सकते हैं ये 313 रुपीज़ का मुझे मिला। आप इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर लगा कर आप कहीं भी इसको डेकोर कर सकते हैं। नेक्स्ट परचेज किया है वॉल हैंगिंग और ये एक ड्रीम कैचर है। मैंने इसे ऑफ वाइट कलर में ऑर्डर किया था पर मुझे ब्लू में रिसीव हुआ है। देखने में अच्छा लग रहा है। इसको 215 रुपीज़ की ये परचेज मुझे ठीक लगी। मैंने खुद से भी एक ड्रीम कैचर बनाया है, आप मेरे चैनल पे उसका वीडियो देख सकते हैं। ये है डीजे आर्ट वुड फोटो फ्रेम, ये सेट ऑफ 7 है और इसकी पैकेजिंग आप देख लीजिए कितनी बढ़िया है। और इसको खोलने में काफ़ी टाइम मुझे लगा और जब ये फ्रेम मेरे हाथ में आए ना मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि ये सेट ऑफ 7 351 रुपीज़ का है और इसमें दो तरह के फ्रेम रिसीव हुए हैं। एक है 5x5 वाले, ये 5x5 है, इसमें पीछे से इस तरह से खोलने का ऑप्शन है, आप इसमें कोई भी फोटो लगा सकते हैं। और ये इसके हुक है और जो सामने का फ्रेम है ना वो आपको ग्लास का नहीं मिलेगा, फाइबर का मिलेगा। और ये इस तरह से हुक बने हैं दूसरे वाले में, जो 7x5 के 4 रिसीव हुए मुझे। नेक्स्ट मैंने ये लिया है आपके निक्रॉन प्लास्टिक रेक्टेंगल मेडिसिन बॉक्स। ये मेडिसिन बॉक्स ना फर्स्ट एड बॉक्स है और ये मल्टी स्टोरेज है और ये 182 रुपीज़ का मिला। हालांकि प्लास्टिक मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर भी मुझे इसमें से मेडिसिन ही रखनी है, एक जगह अच्छे से रख सकते। और आप देख सकते हैं कि एक ही जगह ये सब चीज़ें कितनी सुंदर लग रही हैं। 182 रुपीज़ में आई थिंक ये वर्थ इट है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ये लिया है ग्लास बॉल ऑफ होम एंड किट का, ये 2700 ml में है और इसके दो सेट मुझे मिले हैं 278 रुपीज़ के और आई थिंक ये वर्थ इट है। अगर आप बोरोसिल से भी कंपेयर करेंगे तो ये उससे कहीं कम नहीं लग रहे थे मुझे। और इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं और इसकी हैवीनेस काफ़ी अच्छी है और ग्लास भी काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया है लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास पहले बोरोसिल का एक काफ़ी प्राइसी जो है बोल है, वो इससे बड़ा है लेकिन उसका प्राइस भी हैवी है। लेकिन ये 278 रुपीज़ के काफ़ी वर्थ लगे मुझे। अगर आप दो सेट और मंगा लें तो आपके काफ़ी अच्छा ये एक सेट का कलेक्शन हो सकता है। मेरी नेक्स्ट परचेजिंग है ये बेस ब्राउन एंड क्रीम कलर के कुशन कवर। ये मैंने 16x16 के कुशन कवर लिए हैं जिनका प्राइस है 413 रुपीज़ और इस प्राइस में मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे हैं क्योंकि इनका कलर कॉम्बिनेशन एक रॉयल टच देता है और साथ ही साथ ये मेरे घर की थीम से भी मैच करता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो जितने भी सेट आए ना इनकी जो सिलाई वगैरह है वो काफ़ी परफेक्ट है, कहीं से भी कोई तागा वागा नहीं निकला है और लुक वाइज भी बहुत अच्छे हैं। अगर पीछे से हम चेन वगैरह की बात करें तो वो स्मूथली रन हो जा रही थी और कपड़ा भी अच्छा है और आप देखिए मटेरियल काफ़ी थिक है। और इस तरह के कुशन कवर इसी रेंज में मिलते हैं लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे और ये मैं इसको टीम अप करके लगाने वाली हूँ। इन कुशनों को मैं कुछ थोड़ा सा अलग टीम अप करके लगाने वाली हूँ फेस्टिवल्स में, देखेंगे किस तरह से ये लगेंगे।
एक प्रोडक्ट और है जो कि मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, ये मैंने पहले ही ख़रीद लिया था, ये फेस्टिवल के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ये है वन पीस नमकीन मेकर, सेव मेकर। ये 264 रुपीज़ का है और इसमें ना 6 प्लेट्स आती हैं, आप इनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं वन बाय वन और इसमें रख लीजिए। और इस तरह से इसमें जो भी आपको सिलेक्ट करनी है एक स्लाइस इसमें डाल लीजिए और उसके जिस तरह भी शेप आपको बनानी है नमकीन की, और इस तरह से उसे प्रेस कर दीजिएगा बीच में मटेरियल डालने के बाद, और इसे हैंडल करने के बाद इसको इस तरह से रोटेट कर दीजिएगा और धीरे धीरे यहाँ से जो है जैसे इस तरह का यहाँ, तो यहाँ से वो नमकीन का शेप गिरने लगेगा और आप उसे तल लीजिए। हमारे यहाँ पर दशहरा मेला लगा था और वहाँ से मैंने कुछ सामान और पिक किया है जो कि ऑफलाइन है, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इनकेस आपके आसपास कहीं ऐसा सामान मिले तो लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे घर के डेकोरेशन में चार चांद लग जाते हैं। ये इस तरह के मग लिए हैं और ये कॉफ़ी मग हैं जो कि आपको मॉल वगैरह में भी दिख जाएंगे, लेकिन इनके प्राइस ना बहुत ही अच्छे हैं। आई थिंक ये 50-60 रुपीज़ के मुझे ईच मिल गया है, तो ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन डील थी, तो मैंने इसको पिक कर लिया। ऐसे ही मैंने दो और लिए हैं, आप इनके देख सकते हैं कितना सुंदर कलर है। तो ये मुझे 6 का भी पीस था पर मुझे 2 ही चाहिए थे, क्योंकि एक कॉफ़ी मग है मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए लिए हैं। अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए हम कुछ भी सर्व करेंगे तो उसके लिए एक प्लेटर का होना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ इस तरह का मैंने ये 120 रुपीज़ का प्लेटर लिया है और मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगा। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर बताइएगा। ये मैंने 120 रुपीज़ के सेट ऑफ 2 बोल्स ख़रीदे हैं, ये दोनों बोल बहुत ही खूबसूरत हैं और इसका आप पेयर करके 6 का भी पेयरिंग कर सकते हैं। मैं काफ़ी दिनों से ना बटर रखने के लिए बॉक्स को सर्च कर रही थी और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह देख रही थी, मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे थे, तो अंत में मुझे ये मिला है, ये 120 रुपीज़ का एक मुझे बॉक्स। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और कभी कभी ना ऑनलाइन ऑफलाइन आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको जब भी लेना हो तो आप ले लीजिए, क्योंकि बाद में फिर बहुत रिग्रेट होता है कि हमने उस समय लिया नहीं। और मैंने 2 बर्नियाँ ख़रीदी हैं, ये 150 रुपीज़ की मुझे मिल गई थी 2, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, काफ़ी दिनों से मैंने ढूंढ रही थी और इनको ना मैं अपने किचन में रखना चाहती। इस तरह से मैंने कुछ शॉपिंग ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन की है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आपने अंत तक इसे देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स मिलेंगे इसी तरह के कुछ नए वीडियोस के साथ, और हाँ मीशो के जो कोड्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। इनकेस अगर आपको पसंद आती है कोई चीज़ तो आप प्लीज़ वहाँ से विश लिस्ट करिए और देखिए, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस में हमें चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसी तरह के और वीडियोज़ में मिलेंगे फिर से, टिल देन बाय।